ICSE 10 2011 में 11 का ए क्वेश्चन क्या क्या आया था देखिए, एबीसी का ट्रायंगल, एबीसी क्या है, एबीसी एक ट्रायंगल है विद एबी दिया हुआ है मेरे पास, कितना एबी कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, बीसी कितना दिया है, बीसी कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, एसी कितना दिया है बताइए 6 सेंटीमीटर। थ्री सर्कल्स आर ड्रॉन टचिंग ईच अदर विद द वर्टिसेस एज देयर सेंटर, वर्टेक्स को सेंटर मान के हम सर्कल बनाए हुए हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ द थ्री सर्कल, तीनों सर्कल का हमको रेडियस निकालना है। तो ए बी सी है हम लोग के पास, ये यहाँ पे क्या है मेरे पास सी, ये ए है, क्या है मेरे पास बोलिए बी, ये मेरे पास पी लिखा हुआ है, ये मेरे पास क्यू लिखा हुआ है, ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है तो आर। अब ठीक से समझिए इसको, ये जो सर्कल है इसका दो रेडियस है कि नहीं, यहाँ पे इसको x मानेंगे तो इसको भी x बोलना पड़ेगा है कि नहीं, इसको y बोलेंगे तो इसको भी y बोलना पड़ेगा, इसको z बोलेंगे तो इसको भी z बोलना पड़ेगा है कि नहीं। तब मान लेंगे लेट लेट सी आर इक्वल टू सी क्यू इक्वल क्या मान लिए बोले तो x, फिर क्या लिखे हैं बी आर और बी पी, क्या लिखेंगे बताइए तो बी आर इक्वल टू बी पी इक्वल टू क्या मान लेंगे बोले तो y, फिर ए क्यू इक्वल टू ए पी क्या क्या बोले ए क्यू इक्वल टू ए पी इक्वल टू क्या मान लिए बताइए तो z मान लिए कि नहीं। अब नाउ क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है हम लोग के पास क्या दिया हुआ है उसको समझिएगा कि ए बी का वैल्यू है 10, ए से बी कितना दिया बताइए तो 10 दिया हुआ है ठीक है समझिए, फिर बी सी दिया हुआ है 8, बी सी है ना बी सी, बी सी दिया हुआ हम लोग के पास 8, बी सी कितना दिया बताइए तो 8, और उसके बाद क्या है हम लोग के पास ए सी दिया हुआ है 6, ए सी है ना ये चीज, ये हम लोग के पास 6 है, क्या है हम लोग के पास बोली तो 6 है ठीक है, इसी अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। तो देखिए y प्लस जेड इक्वल टू 10, y प्लस जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए 10, y और z प्लस करके क्या होगा y प्लस जेड इक्वल टू 10 हो गया, फिर बताइए x प्लस y, x प्लस y, x प्लस y कितना होगा बताइए 8 होगा, फिर बताइए x प्लस जेड कितना होगा बताइए 6, x प्लस जेड इक्वल टू कितना होगा बोले तो 6, इक्वेशन 1 मान लेंगे, ये 2 मान लेंगे और क्या मान लेंगे बोले तो 3। अब ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोगों को क्या फाइंड करना है एक्स वाई जेड, क्या फाइंड करना है एक्स वाई और जेड, बहुत सिंपल है कैलकुलेशन समझिए इसको, कैलकुलेशन देखिए हम तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों को क्या करते हैं बोले तो ऐड कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे ऐड 1 प्लस 2 प्लस प्लस 2 प्लस 3, तीनों को हम क्या कर देंगे बोले तो ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो देखिए इधर वाला सबको ऐड करेंगे, इधर का सबको ऐड करेंगे, इधर ऐड करेंगे सबको तो y y क्या हो जाएगा बोली तो 2y, x से क्या हो जाएगा बोली तो 2x हो जाएगा नहीं 2x, y y ऐड की दो y है तो क्या हो जाएगा बोली तो 2y, z z है ना दो ठो ऐड करेंगे तो क्या होगा बोली तो 2z इक्वल टू, इधर ऐड कीजिए कितना होगा बताइए तो 24 हो जाएगा ना 24 हो गया। अब यहां पे क्या कीजिए 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा बताइए x plus y plus z इक्वल टू कितना होगा बोले तो 24, तो यहां पे 1 और 2 मतलब क्या हो गया बोले तो x plus y प्लस जेड इक्वल टू कितना हो गया 12 हो गया कि नहीं, ये फोर्थ नंबर हो गया, क्या हो गया बोले तो फोर्थ नंबर हो गया है ना। अब उसके आगे समझिए 1 एंड 4 पर चलेंगे, क्या चलेंगे बोले तो 1 एंड 4, इक्वेशन 1 एंड 4, 1 एंड 4 से चलिए देख ठीक से देखिएगा, x प्लस y प्लस जेड इक्वल टू कितना है 12, y प्लस जेड का वैल्यू कितना है 10, x लिखेंगे प्लस y प्लस जेड का वैल्यू कितना है 10 है ना, 10 लिखेंगे इक्वल टू कितना हो गया बोली तो 12, मतलब x इक्वल टू कितना हो गया 12 माइनस 10 इक्वल टू कितना हो गया बताइए तो 2 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। फिर देखिए आगे 2 में चलते हैं, ये क्या चलते हैं बोले तो इक्वेशन 2 एंड 4, 2 एंड 4 में देखिए क्या क्या दिया हुआ है x प्लस y दिया हुआ है ना, x प्लस y की जगह पर क्या पुट कर देंगे बोले तो पुट कर देंगे ना, प्लस जेड है तो इसलिए जेड लिख दिए इक्वल टू कितना आ गया बोले तो 12, मतलब जेड इक्वल टू कितना आ गया बोले तो 12 माइनस जेड इक्वल टू कितना आ गया बोले तो 4 आ गया। फिर देखिए इक्वेशन क्या लिखेंगे बताइए 3 इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 एंड 4 देखिए किसका वैल्यू दिया हुआ है x और z का वैल्यू दिया हुआ है ना, तो x और z, x और z की जगह पर क्या लिख देंगे बोले तो 6, और y है तो y लिख देंगे नहीं, इक्वल टू कितना होगा बोले तो 12 हो गया ना, तो y इक्वल टू कितना हो गया बोले तो 12 माइनस 6 इक्वल टू कितना हो गया बोले तो 6, x y का ही ना रेडियस है इसका,
ऊपर वाला का रेडियस x है, इसका रेडियस y है, और इसका रेडियस क्या है बोले तो z है ना। तो देयरफॉर हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर रेडियस क्या लिखे बोले तो रेडियस क्या हो जाएगा बताइए, रेडियस हो जाएगा हम लोग के पास 2 4 6 हां 2 सेंटीमीटर, ठीक क्या है बोले तो 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर निकल गया कि नहीं सारा चीज निकल गया ना, बहुत सिंपल है, लिख लीजिए।